तो दोस्तों झारखंड के लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है आपके कृषि ऋण माफी से जुड़ा हुआ। तो देखिए न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या है कि ऋण माफी योजना का लाभ जल्द दे सीएम। सीएम यह कहा है अपने अधिकारियों से कि ऋण माफी का जो लाभ है, ऋण माफी योजना का लाभ है, वो जितने भी किसान हैं सभी को जल्द से जल्द दे। तो पूरी न्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं पढ़कर और लास्ट में इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूज शुरू है वो यहाँ से शुरू और यहाँ से होते हुए इधर आता है। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं जिससे हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना JKRMY की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें अधिकारियों ने अवगत कराया कि JKRMY के तहत राज्य में 9,07,753 पात्र किसानों के ऋण को माफ़ किया जाना था। तो कितना का माफ़ किया जाना था, यहाँ से पढ़कर आप लोग देख सकते हैं, 9,07,753 पात्र किसानों का ऋण माफ़ किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों ने केवल 6,60,000 किसानों का डाटा ही अपलोड किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के साथ जल्द बैठक कर वंचित पात्र किसानों को इस योजना का लाभ देते हुए ऋण माफी कार्य को गति दी जाए। किसानों के ऋण माफी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। तो ये जो बैठक में वो कृषि से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ सभी अधिकारी, छोटा से लेकर बड़ा पदाधिकारी, सारा मीटिंग में उपस्थित थे। तो उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर फैसला लिया है। देखिए तो किस प्रकार से आप लोगों का जो ऋण माफ़ी का लिस्ट तैयार किया जाएगा, फिर से उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, पंचायतवार डाटा बनाने को निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायतवार डाटाबेस तैयार कराएं ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण माफी का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पात्र किसानों का जिनके ऋण की माफ़ी की चुकी है उनका डाटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक करें। तो देखिए यहाँ पर जो भी किसानों का अभी तक ऋण माफ़ी किया जा चुका है, उन लोगों का जो डाटा है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका जो पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या है, जो ऋण माफ़ी का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका नाम है JKRY, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। तो इस योजना के अंतर्गत अब सभी किसानों का, जो भी पात्र किसान है, उन लोगों का पंचायतवार डाटाबेस बनाया जाएगा और सभी किसानों का ऋण माफ़ी किया जाएगा, ऋण माफ़ किया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि आपके साथ क्या परेशानी हो गई थी जिसके वजह से आपको झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ नहीं मिला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।